अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक का नाम है मूवमेंट और लोकोमोशन। मूवमेंट की काफ़ी टाइप्स हैं। आज जो हम मूवमेंट देखने लगे हैं उसका नाम है सिलरी मूवमेंट है। सिलरी मूवमेंट बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है, बीएससी का टॉपिक है। जैसे कि मूवमेंट, आपको पता है बॉडी का कोई भी पार्ट अगर अपनी जगह से चेंज होता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, बॉडी का पार्ट कह रहा हूँ उसको कहते हैं मूवमेंट है। जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये मूवमेंट है। अगर मैं अपनी लोकेशन को चेंज करता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ, नकल मकानी करता हूँ, तो बॉडी पोजीशन को चेंज करना, एक प्लेस से दूसरी प्लेस, जगह को चेंज करना, उसको कहते हैं लोकोमोशन। मूवमेंट जोन से होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है नॉन मस्कुलर, एक होती है मस्कुलर। नॉन मस्कुलर में याद रखिएगा, एक ऐसी मूवमेंट जिसमें मसल इन्वॉल्व नहीं होंगे, और ये नॉर्मली इनवर्टिब्रेट्स में नजर आते हैं, जो कि सीलिया की मदद से मूव करते हैं, फ्लेजेला की मदद से मूव करते हैं, और सीडोपोडिया की मदद से मूव करते हैं। मस्कुलर मूवमेंट का जब भी लफ्ज आएगा तो याद रखिएगा, जिसमें मसल इन्वॉल्व होते हैं और ये नॉर्मली वर्टिब्रेट्स में नजर आती हैं, जैसे स्केल्टल मसल की इन्वॉल्व होना, कार्डिक मसल का इन्वॉल्व होना, और स्मूथ मसल का इन्वॉल्व होना। अब नॉन मस्कुलर में सबसे पहले जो मूवमेंट, सिलरी मूवमेंट। सिलरी मूवमेंट कौन सी होती है? ऐसी मूवमेंट जो कि आपको नजर आती है एक चीज की मदद से, उसका नाम है सीलिया, उसको सिलरी मूवमेंट कहा जाता है। सीलिया सिर्फ और सिर्फ एक बड़े फाइलम के पास नहीं है, उसका नाम आर्थ्रोपोडा। ये जो आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स का बहुत बड़ा फाइलम है, इनके पास सीलिया मौजूद नहीं होता, बाकी काफी जानदारों के पास आपको सीलिया नजर आता है। जैसे सीलिया बहुत छोटा होता है फ्लेजेला से, और सीलिया बहुत ज्यादा होता है फ्लेजेला से, और सिलरी मूवमेंट अगर आपको नजर आती है तो ये दो तरह की मूवमेंट आपको नजर आती है जानदारों के अंदर, प्रोटोजोआ में और फ्लैटवर्म्स के अंदर। जैसे प्रोटोजोआ के अंदर, ये बेटा प्रोटोजोआ जिसका नाम पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम के ऊपर धागे नज़र आ रहे हैं जिसको कहते हैं सीलिया। कुछ आपको पेयर की फॉर्म में नज़र आते हैं और कुछ आपको लाइन वाइज नज़र आते हैं जिसको कहते हैं रो ऑफ सीलिया। पेयर हो या रो हो, इसने मूव करना है सीलिया की मदद से, तो ये सीलरी मूवमेंट कहलाएगा। तो जितने प्रोटोजोआ हैं इसके पास देखा जाए, दो किस्म के, रो की किस्म के और पेयर की फॉर्म में सीलिया की पोजीशन नज़र आती है, और ये मूव करता है फॉरवर्ड साइड पे इन रिवर्स डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ सीलिया। फॉरवर्ड जाए रिवर्स जाए, तो ये इसकी जो मदद होती है, जिसकी मदद से, उसका कहते हैं सीलिया। तो मूवमेंट कौन सा होगी? सीलरी मूवमेंट होगी। तो दे आर डायरेक्शन बेस्ड ऑन सीलरी वेव डायरेक्शन, जहां पर वेव की जा रही होगी सीलिया की वेव, उस तरह से बेस करती है इसकी मूवमेंट कौन सी है, फॉरवर्ड साइड पर है या रिवर्स साइड पर है। इसी तरह फ्लैटवर्म्स के अंदर देखा जाए, टर्बुलेरियन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। टर्बुलेरियन सबसे छोटा फ्लैटवर्म टर्बुलेरियन है, तकरीबन 1 मिलीमीटर से इसका छोटा साइज होता है, और ये मूव करता है थ्रू सीलिया। इसकी बॉडी में सीलिया होते हैं और सीलिया की मदद से ही मूव कर रहा होता है। सबसे लार्जेस्ट फ्लैटवर्म नंबर टीन्स है, और ये मूव करता है सीलिया की मदद से, और इसकी मूवमेंट कहलाती है सीलरी क्रीपिंग कहलाती है। मतलब दोनों में देखा जाए तो मूवमेंट किसकी मदद से? सीलिया की मदद से, सीलिया की मदद से। तो सम फ्लैटवर्म्स आल्सो मूव थ्रू मसल लूपिंग एंड पैडल मूवमेंट। तो कुछ पैडल मूवमेंट और मसल लूपिंग के जरिए से भी करते हैं। ज़्यादातर देखा गया फ्लैटवर्म्स में जो मूवमेंट है वो सीलिया की मदद से होती है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह।